Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह स्पाइडरमैन मूवीज देखनी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पाइडरमैन के बारे में 20 ऐसे फैक्ट्स जिसे सुनकर आप यही कहोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ज़्यादा टाइम की माँ बहन ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है 30 फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन। फैक्ट नंबर 1, स्पाइडरमैन को सबसे पहले स्टैन ली और स्टीव डिटको ने अगस्त 1962 में तैयार किया है, मतलब उसे लिखा है। फैक्ट नंबर 2, स्पाइडरमैन एक्चुअली में एक स्पाइडर बेस्ड हीरो नहीं था। स्टैन ली ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठे थे तो उन्हें मक्खी उड़ती दिखी, तो उस मक्खी से उन्हें स्पाइडरमैन बनाने का आइडिया आया। फैक्ट नंबर 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में आपने वो हाई स्कूल लाइब्रेरी वाली फाइट तो देखी होगी, उसमें जो बुक्स थे वो 3000 फीट स्टेरियो फॉर्म्स की बुक्स थे जिसमें रियल बुक के कवर लगाए गए थे। फैक्ट नंबर 4, स्पाइडरमैन को लिखने का सही तरीका है स्पाइडरमैन। स्टैनली ने इस बात को ऑफिशियली बताया, क्योंकि सुपरमैन और स्पाइडरमैन में कंफ्यूजन ना। आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब तो बनता ही ना। फैक्ट नंबर 5, स्पाइडरमैन का जाला एक घंटे में पिघल जाता है, लेकिन तब तक उसमें इतनी ताकत होती है कि वो हल्क को भी पकड़ कर रख सकता है, इसलिए तो स्पाइडरमैन मुझे इतना पसंद है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है स्पाइडरमैन का जाला बुलेट से भी तेज होता है। फैक्ट नंबर 7, पेस्टिसाइड्स इथिल क्लोराइड ये स्पाइडरमैन की कमजोरी है। फैक्ट नंबर 8, स्पाइडरमैन के इतने सारे फैंस हो गए हैं ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके ओबामा का फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन ही है। फैक्ट नंबर 9, स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज के पूरे सीरीज में सिर्फ 3 पंच ही हैं, मतलब सिर्फ 3 मुक्के ही मारे गए हैं। फैक्ट नंबर 10, आपको ये फैक्ट सुनकर आश्चर्य जरूर होगा कि स्पाइडरमैन उनके फैमिली का अकेला सुपर हीरो नहीं था। स्पाइडरमैन के पेरेंट्स स्पाइस थे और वो एरोप्लेन क्रैश में मारे गए थे, इसलिए तो मैं और अंकल बेन के साथ रह रहा था। फैक्ट नंबर 11, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेक गिलेनहाल और चार्ल्स शीन स्पाइडरमैन के रोल के लिए एज ए एक्टर चुने गए थे, लेकिन कुछ टाइमिंग प्रॉब्लम की वजह से ये रोल नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 12, टोबी, एंड्री और टॉम, इन सब स्पाइडरमैन में मुझे तो टॉम सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा स्पाइडरमैन पसंद है कमेंट में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 13, माइकल जैक्सन जो है उन्होंने मार्वल को खरीदने की कोशिश की थी, क्योंकि उनको फ्यूचर में स्पाइडरमैन का रोल करना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सोचिए माइकल जैक्सन स्पाइडरमैन के रोल में कैसा लगता। फैक्ट नंबर 14, नॉर्मल लोगों की IQ 80-100 होती है, पीटर पार्कर की IQ पता है कितनी है, 250, इसलिए तो वो हर काम इतना स्मार्टली कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको ये नहीं लगता कि एवेंजर्स में कोई इंडियन सुपर हीरो हो। MCU में नहीं होगा, लेकिन स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में ऐसा एक सुपर हीरो है, मतलब इंडियन स्पाइडरमैन, जिसका नाम पवित्र प्रभाकर रखा है और ये धोती पहनता है जिसके बैकग्राउंड में ताजमहल दिखाया गया है। आशा करता हूँ कि एवेंजर्स में जल्द ही कोई इंडियन सुपर हीरो भी दिखाई दिया जाए। अगर आपको ये फैक्ट पता था तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 3, स्पाइडरमैन का रोल करने वाले टॉम हॉलैंड जो है वो एवेंजर्स के सबसे यंगेस्ट सुपर हीरो है, और एक फैक्ट ऐसा भी है, उन्हें बचपन से स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, और देखिए आज वो खुद स्पाइडरमैन है, लेकिन रियल में वो स्पाइडर से बहुत डरते भी हैं। फैक्ट नंबर 17, टॉम हॉलैंड के फादर डोमिनिक हॉलैंड एक राइटर और स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाल ही में उन्होंने टॉम की लाइफ पर एक बुक लिखी है, इस बुक में उन्होंने टॉम के स्ट्रगल के बारे में बताया है। फैक्ट नंबर 18, आपको ये नहीं पता होगा कि स्पाइडरमैन की पावर्स रियल में एक स्पाइडर की क्वालिटीज़ है जिसे एक स्पाइडर यूज़ करता है। फैक्ट नंबर 19, स्पाइडरमैन कितना फेमस है आपको पता ही क्या। 2002 में स्पाइडरमैन की पहली मूवी आई थी, तब सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे, इतना फेमस हुआ था कि मार्वल को आइडिया तक भी नहीं था। फैक्ट नंबर 20, अगर स्पाइडरमैन को इतनी पावर्स मिली है तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता क्योंकि उसका खून रेडियो एक्टिव हो जाता है। अगर खून रेडियो एक्टिव है तो उसका स्पर्म भी रेडियो एक्टिव होगा, ऐसा स्पाइडरमैन की एक कॉमिक में भी बताया गया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कैंसर की वजह से मर गई थी स्पाइडरमैन के कारण। क्या आपने नो वे होम देखी तो कमेंट करें, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियोस आते रहेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग.